मेहता का उल्टा चश्मा। अंताक्षरी का खर्चा तो बजट में हो गया। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतो है। हाँ बोलिए बोलिए मिस्टर प्रभु, क्या हाल है? हाँ हाँ, अभी किया था प्रोग्राम अंताक्षरी का। हाँ हाँ, वाह मजा आया मजा आया। अच्छा कभी? अच्छा पिछले साल? हाँ 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 हाँ। अच्छा तो क्या चार्ज किया था म्यूजिशियन ने आपको? ओहो बर बर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ओके, हाँ मिलते हैं मिलते हैं। ओके अच्छा, मतलब हमारे साथ चीटिंग। माधवी, ए माधवी, माधवी हमारे साथ चीटिंग हुई है। अभी भी आप अंताक्षरी में ही हो? कमाल है भाई एंजी। कैसी चीटिंग बाबा? कोई चीटिंग नहीं हुई है बाबा। ना इतना क्या है? अरे ये मैं अंताक्षरी की बात नहीं कर रहा हूँ, चीटिंग मतलब नुकसान हुआ है हमारा। क्या नुकसान हुआ है? ये अभी मिस्टर प्रभु का फोन आया था, ये बाजू की अक्षय सोसाइटी है ना, वहाँ से उन्हें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ है। इश, तो उसमें नुकसान क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, पिछले साल उनके जब प्रोग्राम हुआ था तो हमारे यहाँ जो म्यूजिशियंस आए थे वो वहाँ भी गए थे। तो क्या हुआ, ऐसा कोई नियम है कि वो सिर्फ गोकुलधाम में ही म्यूजिक बजाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माधवी, उनके यहाँ जब म्यूजिशियंस गए थे ना तो उन्होंने वहाँ पे 10,000 रुपए लिए थे और हमारे पास से 10,500 रुपए लिए है, ये नुकसान है। कितने लिए? 10,500। उड़ा मोटा नुकसान परमेश्वरा, ये हमारे साथ ही क्यों होता है हमेशा क्यों? क्या कर रही हो माधवी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे लाखों का नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है? सिर्फ 500 रुपए का। समझ गया मैं, नुकसान हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है, कितने का हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे 10,000 रुपए लिए और हमसे 10,500, ये चीटिंग है, ये नुकसान है। अहो अक्षय सोसाइटी में पिछले साल प्रोग्राम हुआ था, अब महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है, तो वो लोग अपना भाव बढ़ाएंगे ना। हम लोगों ने अपने अचार पापड़ के भाव बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए माँ, 10 से है। कुत्ती चिंता, चलिए अभी फ्रेश हो जाइए, कब से घुसी कुर्ते में बैठे, चल गो आटप लगा। चल सलाम पेशवा। माधवी बाबा, अरे मेरा मदद कर, ये पकड़, ये इधर से पकड़, ये पकड़ ये केस ना जोर से खींचो। अरे कुछ नहीं, वो कुर्ता अटक गया था, बहुत दिन पहना था ना। है? बहुत दिन के बाद पहना था ना तो थोड़ा सा टाइट हो गया था, निकल गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, शाबाश गुणा जी भाई माजी। सुनो बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसमें क्या प्राउड ऑफ यू बाबा? अरे इसमें मतलब कुर्ते के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बेटा, अंताक्षरी के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो सोनू की तारीफ करने का मौका ही नहीं मिला आज। अरे क्या परफॉर्मेंस दिया है मेरी बेटी ने, हाँ क्या गाया है वो भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या बात है सोनू, क्या बात है। अरे कितने लोगों ने सोनू की आवाज की तारीफ की है। हाँ माधवी, अगर तुम और मैं इसकी टीम में होते ना तो हमारी टीम ही जीतती। हो ना। हाँ लेकिन सोनू, अगली बार हमें टीम में लेना। हाँ फिर तो एक टीम में तीन तीन सुरीले हो जाएंगे। पता है माधवी, जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है ना तो मैं सोनू का हंसता हुआ चेहरा याद कर लेता हूँ, मेरी सारी तकलीफ सारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरी बेटी मेरी शक्ति है। आहो कितना भावुक हो रहे हैं आप बाबा। सोनू जब ससुराल जाएगी तब क्या करोगे?
माधवी, बेटियां ससुराल जाती है, माँ बाप उनकी विदाई करते हैं, ये तो दुनिया की रीत है, ये हमें भी निभानी है। लेकिन मैंने सोच के रखा, सोनू जहां भी शादी करके जाएगी ना, मैं उसके नजदीक एक घर लेने वाला हूँ। बाबा, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सोनू, लेकिन अब तो छोड़ो, सोना है कि नहीं, चलो कल स्कूल है। गुड नाइट आई, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बेटा। चलो, क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, हमारी सोनू कितनी सुशील है, कितनी भोली है, मुझे इसकी कभी कभी बहुत फिक्र होती है कि उसको अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, यही ना? अरे ये फिक्र तो हर माँ बाप को होती है कि उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि हम जिस लड़के को पसंद करेंगे वो सोनू को पसंद आएगा कि नहीं, या फिर सोनू जिस लड़के को पसंद करेगी वो हमें पसंद आएगा कि नहीं। ओहो, हाँ, मुझे कभी कभी बहुत टेंशन होता है माधवी के सोनू टप्पू जैसे किसी लड़के को पसंद ना कर ले। टप्पू जैसे क्या? टप्पू कोई पसंद ना कर ले तो अच्छा है ना? हाँ, आपको दूसरा घर लेने की जरूरत ही नहीं है, सोनू तो बाजू में ही रहेगी। शुभ बोलगा माधवी, शुभ बोल। टप्पू कितना शरारती है, कितनी मस्ती करता है, एक नंबर का बेशिस्ता है। टप्पू के साथ अपने सोनू की शादी, मैं सोच भी नहीं सकता। चाचा, तो सोचिए भी मत, अभी सोने का वक्त है, सोने चलिए, कुछ भी सोचते रहते हैं। मुझे गाना आता है। मुझे सपने में भी अंताक्षरी के गाने सुनाई दे रहे। आवाज कहाँ से आ रही है? दया तो सो रही है, लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। तो दया गा रही है, बोलो, नींद में भी अंताक्षरी खेल रही है। नहीं आता, मुझे आता। दया, ए दया, अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। अरे अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। टप्पू के पापा, मुझे पता है अंताक्षरी खत्म हो चुकी है, टप्पू के तानसेन जीत गए हैं और हम सब लोग साथ में घर पे आ चुके हैं। अभी हम लोग घर पर हैं, आप सो जाइए। बोलो, इसका तो लाइट की स्विच जैसा है, स्विच बंद करो तो लाइट बंद, ऐसे आंख बंद होती है तो सो गई। लगता है बचपन में इसकी माँ ने जया पार्वती के साथ साथ कुंभकर्ण का व्रत भी करवाया होगा इसे। चलो आश, सो गई। अरे सोना ही है राजकुमार को। ए राजकुमारी, सोने दे राजकुमार को। तकिया तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी तो 1982 का गाना चल रहा है, 2012 तक पोते पोते है तो सुबह कर देगी। हाँ,
भगवान ये मच्छर कहां से आ गए? अंदर दया की ध्वनिया, मच्छर के गुनगुन। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। लगता है मच्छर आज मुझे यहाँ सोने नहीं देंगे। क्या करूं? टप्पू के रूम में जाके सोता हूं। ओ बराबर। अभी क्या है भाई, अभी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पूरा सोफा खाली कर दिया ना तुमको। मैं भी बावरा हो गया हूँ, मच्छर के साथ बात कर रहा हूँ। लगता है मच्छर हिंदी समझता है। सचमुच सोफे पे सो गया क्या? यहाँ आ तो गया लेकिन सोऊंगा कहाँ? चलो नीचे ही सो जाता हूँ। अरे नीचे भी कैसे सोऊं? रजाई तो एक ही है, इसे बिछाऊंगा तो फिर ओढ़ूंगा क्या, और इसे ओढ़ूंगा तो फिर बिछाऊंगा क्या? आसमान से गिरे खजूर में अटके सर मुड़ाते ओले पड़े, न जाने कितनी कहावतें हैं जो मैं जेठालाल की किस्मत के लिए प्रयोग में ले सकता हूँ, लेकिन कहावतें समाप्त हो जाएगी, जेठालाल की किस्मत के किससे समाप्त नहीं होंगे। अब देखिए ना, दया भाभी के गानों से बचने के लिए जेठालाल हॉल में आए तो यहाँ मच्छरों ने परेशान कर दिया, टप्पू के कमरे में आए तो चोर समझ के धरे गए, चंपक चाचा ने चोर समझ के पकड़ लिया। अब सोचिए जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि भाई चोर नहीं है जेठालाल है तो कितने हंगामे होंगे। और ये भी तो सोचिए कि जेठालाल चंपक चाचा को कैसे बताएंगे कि क्यों आए वो इस कमरे में। भाई संयुक्त परिवार में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम हमारे बुजुर्गों को सच नहीं बता सकते, हमारे संस्कार हमें ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन अभी तो बात ये है कि यहाँ जेठालाल फंस चुके हैं और आपको आ रहा है मजा, जेठालाल का फंसना और आपका हंसना, भाई ये तो नई कहावत बन गई। कोई बात नहीं, आप जेठालाल की किस्मत के लिए नई नई कहावतें बनाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और देखते रहेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।